किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाराज़ ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में सदियों से रुई और घी जलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धीरू मौंचिक की वीडियो के ऊपर। वीडियो का टाइटल है दिस नेपाली सॉन्ग इज कैंसर फनीएस्ट म्यूजिक वीडियो। नेपाली सॉन्ग वही सब जी, नेपाली सॉन्ग का रस। नेपाली सॉन्ग बहुत सारे हमारे नेपाली व्यूअर्स भी है और इसमें धीरू भाई ने नेपाली सॉन्ग को रोस्ट किया है। 3, 2, 1 Hey guys, it's me, Thiru Manche. और आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा हीरो टाइप होने वाला है। ऐ मैच ना हुआ? क्यों? उल्टा हो गया। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक हीरो की, और ऐसे वैसे हीरो की नहीं, तो? हीरो नंबर वन की, जो भैया है हमारे नेपाल से। चलो फिर इनकी हीरो पंक्ति में चार चांद लगा देते हैं। लगाओ लगाओ। की शुरुआत में ही गरीबों के बॉबी देओल अंकल वर्जन की एंट्री होती है इसके बेटे की उम्र की हीरोइन के साथ। मतलब करेंगे, रुको अभी करेंगे आगे इस बारे में बात। कोरियोग्राफर ने एकदम नेपाली स्टेप्स बनाए हैं। हवा के गोल गोल गोले बनाओ और टांग उठा के छोड़ दो। देखो, मुझे तो नेपाली आती नहीं है, तुम्हें भी नहीं आती होगी ज्यादातर। हाँ। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये लड़की ऐसी चीज छुआने की बात कर रही है जो कि इसके पास है भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, सुनिए। ये जितने भी पीछे बच्चे खड़े हैं ना, ये इतने मैथ की क्लास में बोर नहीं होते होंगे जितना ये देख के बोर हो रहे हैं। कुछ बच्चों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इनसे बोला था चलो चलो बच्चों तुम्हें लड्डू मिलेंगे, लड्डू बट रहे हैं, लेकिन फिर इन डोरेमोन अंकल का था। फिर उनकी थाली में जाते वाते लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो भाई, लड्डू। और ऐसी नाचते नाचते इन दोनों की शादी हो जाती है। ये डोरेमोन सी शक्ल का ना जिंदगी में इतना खुश पहली बार हुआ होगा। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जब भी खुश होता है ना तो बात के गोले छोड़ता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? असल डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने, सबने एक लाइन से बैठ के ना नेपाली गांजा फूका है। मतलब यार, अगर तुमने इसको दुल्हन का कॉस्ट्यूम दिया है तो इन डोरेमोन अंकल को भी दूल्हा बना देते, इनको चूतिया क्यों बना रखा है तुमने? डायरेक्टर पहले से जानता था कि ये डोरेमोन अंकल चूतिया है। सुमर, मैंने तुम्हें सब करते अच्छी नहीं लग रहे हो पैसों के लिए। अगर तुम्हें पैसे कमाने तो banana.com पर जाके ट्रेडिंग सीखो ना। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। डेमो अकाउंट बनाकर तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है तो, और जब तुम सीख जाओगे तो तुम मिनिमम 100 रुपीज के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और 200% तक प्रॉफिट पा सकते हो। इसमें दो ग्राफ होते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन ग्रो शो करता है और जो रेड है वो फॉल शो करता है। और बाद में तुम अपने सारे पैसे जो है वो पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। तो अगर तुम्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो banana.com जाकर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने अभी बोला था लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये जितना भी कैंसर है ना सारा नेपाली गांजा फूकने की वजह से हुआ है। क्योंकि भाई इतना क्रिएटिव कोई हो ही नहीं सकता यार। मतलब क्रिएटिविटी की ना रख के मार गई इन्होंने। इसके दिमाग में ये अद्भुत आइडिया आया होगा कि बीच में हम 7 छाते रखेंगे, उसमें इन दोनों को नचाएंगे और साइड में 3 गाड़ी भगाएंगे। 3 गाड़ी नहीं, 2 छोटा हाथी और 1 गाड़ी। गाड़ी की छत पे चढ़ के आज की लड़ाई जा रही है। मतलब मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, फिर भी अंकल को आशिकी करनी है। कैसे कैसे चलेगा अंकल, कैसे? इसने पूरे गाने में चश्मा पहना अपनी झुर्रिया छुपाने के लिए, लेकिन फिर भी इसे आशिकी करनी है बेटी चोद को। What was this? Zomato वालों,
वाकई में मत दिखाओ उसको, मत दिखाओ, बुड्ढी हो गई, बुड्ढी हो गई, ये तो पहले से था। अंकल गलत बात, बुड्ढे होके भी गंदी बातें करते हो, गलत बात। और यार इसको मुट्ठा दिखाने के लिए ना मेकअप आर्टिस्ट को कुछ करना नहीं पड़ा, पहले से 60 का है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही बस इसके ओरिजिनल लुक में इसको खड़ा कर दिया। ओ भाई अब ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है साला, क्रिएटिविटी भी बोल रही बस करो भाई, और कितनी गान मारोगी। सड़क पे बिस्तर डाल के सोया जा रहा है और उसके चारों तरफ मोहल्ले वाले ऐसे 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 हाथ हिला रहे हैं, ये साला कोई लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है। ओ आंटी देख, चचा रुक जाओ यार, देखो ये पहला बुड्ढा है जो सटियाने के बाद ऐसे नाच रहा है, डिस्को डांसर बनने की से चढ़ी है, नहीं तो मैंने जितने भी बुड्ढे देखे ना सटियाने के बाद वो बस गाली ही देते हैं। तो बेटी चो, तुम भी हो बेटी चो, तो यार ये गाना बस इधर ही खत्म हो जाता है। शुक्र है मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये देखने के बाद मेरी आंखें सही सलामत है, शुक्र है रब्बा। तो चलो यार फिर ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और यार ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, बाय बाय। यार मुझे ये बात बोलने की भी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, और यार नेपाल की बहुत बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक वीडियो है जो मैंने देखी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। चलो फिर ठीक है, बाय, जल्दी मिलेंगे। मुझे इन अंकल का एक और वीडियो मिला है, वो और देखते हैं जरा। एक है। अरे इसकी माँ का बंदर मारू यार, मतलब हद बचा रखी है, कतई निंजा कतोड़ी बन गए तो कुत्ते पर नहीं देखना भाई, नहीं देखना मुझे, बाय। वेल मैं अपने आप को वही घिसा पटा स्टेटमेंट बोलने से रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि ये वीडियो बहुत बहुत ही धीरू की बहुत कॉमेडी थी, एक बोलते हैं ना दिल खोल के दिल फाड़ के जो रोस्टिंग करते हैं इसमें उन्होंने वो की है, और वीडियो हाँ म्यूजिक वीडियोस नेपाल के बहुत मैंने कभी सुने नहीं हैं, ये पहली बार देखे हैं ना सुने हैं ना देखे हैं ना सुने हैं, बट ये रोस्टिंग में ये ले आए हैं तो मैंने देखा है, और जो पार्ट्स उन्होंने बताए हैं जहाँ जहाँ रोस्टिंग के, जो गाना था उसके बोल तो समझ में नहीं आए, नेपाली नहीं आती समझ में, इसके बाद शायद थोड़ी बहुत सुनूं मैं नेपाली और अच्छे वीडियोस देखूं, बट जो रोस्टिंग उन्होंने जिन पॉइंट्स पे किए वो बहुत कमाल की लगी, वो जो बेबी बॉर्न हुआ एक्चुअली बुड्ढा बॉर्न हुआ वो बहुत खतरनाक था। लाइक एक नेचुरल बच्चा भी दिखा सकते थे, बुड्ढे को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। वेल मुझे लगता है ऐसा तब होता है जब लोगों का बजट कम हो, लो बजट हो, पर मुझे लगता है कि लो बजट में भी अच्छी क्रिएटिविटी की जा सकती है। हम कोई देख सकते हो कितना कम बजट है हमारा, कितना कम बजट है, बाल कटाने के पैसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बाल कटाने है फिर तो फिर लूखा थोड़ी हूँ मैं। पर लो बजट में भी अच्छी चीजें अच्छा कंटेंट लाया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर्स। नहीं नेपाली 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 वीडियो छोड़ देते हैं, धीरू की बात करते हैं, धीरू ने काफ़ी अच्छे से रोस्ट किया, मज़ा आया बहुत सारा वीडियो में, और कुछ भी ऐसे ज़्यादा है ही नहीं बोलने के लिए, तो रिएक्शन रिव्यूज़ में हमको यही होता है कि हमारे क्या फील है, फील अच्छा ही फील है,
और ज़्यादातर अगर हमको रिपीटेड वर्ड्स बोलना अच्छा नहीं लगता है, ना हमारे ऑडियंस को अच्छा लगेगा बार बार वो सुनना, तो वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ डे।